आज मैं किस स्पेशली मोमोज बना रही हूं दीदी। हाँ बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, दीदी का रेसिपी शेयर करो, दीदी व्लॉग में नहीं दिख पाती। तो जल्दी मिलेगा आपको रेसिपी। तो ये है हमारा मोमोज, वो भी घर में दीदी ने इतने मेहनत से बनाया, इतना टेस्टी बनाया ना बता नहीं सकती मैं। जो लोग ज्यादा फेंकते हैं उन लोग सतर्क रहे। एक बात में माँ ने बहुत बड़ी बात बोल दी और समझने वाले समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ये सीक्रेट है। डॉक्टर के पास जाने का बहुत रीजन होता है, बाद में जानी है तो अच्छी बात हो सकता है, बहुत कुछ हो। मम्मी उधर, पापा बाबू को लेके गए। कहाँ गया बउआ? तो उसका तबीयत खराब हो गया, तो हम भी जा रहे हैं नीचे, ही आ रहे हैं, तब जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ जी जा, डॉक्टर दिखाया होगा। हाँ जो पहले आ जाए, तो अभी आ ही रहा है, आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, जो पहले आ जाएगा। ये तो रुकल छो, ये तो नीचा जाते हुए आया तो ये बोले आ जाओ हम आ रहे हैं, तो नीचे आ जाओ तो फिर लेट नहीं होगा। सही। तो अभी क्रियान सोया हुआ भी है और आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ये सीक्रेट है, बाद में बताएंगे आप लोगों को, है मम्मी? बाद में हाँ, तब क्या? अभी नहीं, अभी टाइम आएगा तो बताएंगे आपको। डॉक्टर के पास जाने का बहुत 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 रीजन होता है, बाद में जानी है तो अच्छी बात है, हो सकता है बहुत कुछ हो, तो बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, बस लिफ्ट आ जाए हमारा, 23-24 बस आ गया, आ जाओ जल्दी। गन्नू को रात से ही फीवर, अभी ठीक है, आ गया मेरा लिफ्ट, तो चलते हैं। बाय मम्मी। पखाड़े हो गया, पेमेंट पेमेंट हो गया, गप्पे खा के मुझे पता भी नहीं चलता, इनके फोन में ना फोन पे है ही नहीं और कैश लेके तो चलते नहीं, और पर्स कहीं और छोड़ के आते। पर्स लिया आपने? पर्स ले लिया, हाँ पर्स में ही है लेकिन उसमें कैश नहीं है। हाँ तो इनकी आदत बहुत खराब है, वैसे मेरे साथ चलते थे सोचते कि कुछ ना कुछ तो इसके पास होगा ही, और कल मेरा फोन लेके चले गए, फोन के कवर में मेरा कुछ पैसा था, 1000 या 1200 कुछ था ऐसा कुछ, और इन्होंने ले लिया वो पैसा। अच्छा तो इनका बहुत आदत खराब है, अपने पैसे लेंगे नहीं और पैसे ले लेंगे, वापस लौटाते भी नहीं है। तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, हाँ और मेरा पैसा सिर्फ मेरा पैसा। हाँ वही वाली बात है, वही वाली बात है, अगर मैं इनके पैसे थोड़ी से भी ले लूंगी ना तो वापस, अगर वैसे तो यही सब कुछ करते हैं, मैं क्या करती हूँ, कभी भी जरूरत अपने मन से मैं इनसे कभी भी पैसे मांग लूँ किसी जरूरत के हिसाब से तो ये वापस ले के रहते हैं, लेकिन मेरे पैसे कभी वापस नहीं होते। अच्छा कभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो चलते हैं। लाल टमाटर नजर लग गई मेरे बेटे को, नजर लग गई, तबीयत खराब हो गया लाल टमाटर का। ये क्या क्या, ये 1, 2, 3, 4 इतना तो सारा भिंडी। हाँ और दीदी आज मैं की स्पेशली मोमोज बना रही हूँ दीदी। हाँ वैसे कुछ स्पेशल बना नहीं पाए तो सोचे ये उबला उबला बना लेते हैं मोमोज। हाँ अभी वैसे भी उबला उबला अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें आपने क्या किया है, ये बंदा गोभी को नमक डाले हैं, हाँ कद्दूकस कर लिया है और इसमें नमक मिला दिया है। तो आज मैं आप लोगों से पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत दिनों बाद नैन्सी दीदी की रेसिपी, आप लोगों को बहुत मन था है ना, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे दीदी का रेसिपी शेयर करो, दीदी व्लॉग में नहीं दिख पाती क्योंकि हम लोग पार्टी में थे, इधर उधर थे, इस वजह से घर का शूट मेन बात है ना कि बच्चों को लेकर के थोड़ा सा हो जाता है ना। तो जल्दी मिलेगा आपको रेसिपी। हाँ चलते हैं। और दोनों एक एक खा रहे हैं, क्या हुआ? देखो कितना क्या बोले माँ। प्रियंका को नैन्सी इतिफाक एक दोनों को मुलाकात हो गई, एक ही सोसाइटी में रहते थे और हम दोनों की बहुत सारी दोस्ती है, दोस्ती हो गई। जब मैं यहाँ आई दोस्ती में पता चला कि हम लोग रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज दोस्ती में। हम बोले पार्क में, पार्क में हुई अचानक से दोस्ती हुआ, अच्छा आप कहाँ, फिर हमें पता चला
बगल में इनकी रिलेटिव। इसके सारे खानदान को मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं, नारायण गुरु जो है। बस माँ कहती है सारा कुछ जानते हो। तो यही बात है जो कोई नहीं जानता है कि कहाँ क्या होगा, कहाँ कौन मिल जाएगा, कौन मिलेंगे। आने के बाद हम जितना बात हम समझ गए कि मेरी मौसी थी गुलाम मौसी, उनके भी रिलेशन में है। इतना हम नहीं समझते रिलेशन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तुम्हारे वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, जो लोग ज्यादा फेंकते हैं उन लोग सतर्क रहे और सच्चाई पर ही हमेशा रहे कि किस मोड़ पर किससे कहाँ मुलाकात हो जाएगी, किस सच्चाई से तुम्हारे सामने। एक बात में माँ ने बहुत बड़ी बात बोल दी और समझने वाले समझ गए होंगे। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। प्याज काटते ही आंखों में पानी आने लग जाता है तुरंत। कैसे प्याज काटना है दीदी? बहुत बारीक काट पाओगे? बहुत बारीक, आपके जैसा बारीक तो नहीं लेकिन बारीक काट लेते। उसका चटनी बनाइएगा क्या? नहीं, इसमें कॉटन के कपड़े में पूरा गाड़ के निचोड़ के निकाल ली है। और बिल्कुल ऐसे क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है ना, तो पानी निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे अदरक, काली मिर्च और प्याज काट के, धनिया वनिया फ्रेग्रेंस के लिए, अगर मतलब टेस्ट वाइज अगर डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए, लेकिन हम डालेंगे। ठीक है, इसमें क्या डाला आपने? प्याज, धनिया, नमक, काली मिर्च और पनीर। पनीर ऑप्शनल है। अच्छा, अगर आप पनीर का खाना चाहते हैं तो आप पनीर डाल सकते हैं। पनीर का आप अलग भी बना सकते हैं, इसमें भी आप मिक्स कर सकते हैं। हाँ, अभी दोनों बच्चे का नजर उतर रहा था तो हम उधर बिजी हो गए। हाँ, तब तक मिक्स हो गया था, देर हो रहा था। और इसमें ना टेस्ट के लिए थोड़ा सा वनस्पति वाला जो घी होता है वो डाला जाता है। इसमें हम रिफाइंड या घी वगैरह नहीं डाल सकते हैं, घी बटर ऑल्टरनेट करके वो नहीं। अगर आपका मन है तो सिर्फ डालडा डालिए, नहीं तो मत डालिए। ओके, इसी प्रकार हम सारे मोमोज बना लेंगे। यहाँ पे हमारा जो मोमोज है वो रेडी हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंट से दिखने लगते हैं तो क्या होता है, वो हमारा रेडी हो चुका होता है। ये देखिए, अब ये रेडी हो चुका है। अब मम्मी दूसरा स्नैक बना रही हैं। तो मामी को भी क्रियांश छोड़ नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं ही ब्लॉग बना लूं, है ना मम्मी? हाँ, ये देखो यहाँ पे पानी हमारा बॉईल हो गया है। तो अब क्या करना है, ऐसे करके हम मोमोज को डाल देंगे। A few moments later. तो यहाँ पर मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं और दीदी ना निखा रही हैं। बताएंगे अच्छा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बाजार से तो घर का जरूर अच्छा लगेगा। और रानी आपको कैसा लगा? अभी तो मैंने खाया नहीं, गन्नों को खिला रही हूँ। अच्छा, और नानू आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो शेफ, आपको मोमोज बना के कैसा लग रहा है? हमको बना के तो बहुत थकावट लग रहा है। अब खाने वाला बताए कि उसको कैसा लग रहा है। खाने वाले जो बनाने वाले हैं और दूसरे को खिलाते हैं, खाने वाले की अगर प्रशंसा होती है तो बनाने वाले को संतोष होता है कि मैंने जो बनाया वो सही है। तो ये है हमारा मोमोज। तो खाते हैं, वैसे देखने में तो बहुत ही यमी यमी लग रहा है। तो खाते हैं, देखते हैं कैसा बना है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है, बहुत सुंदर। बहुत टेस्टी बनाया उसमें, वो भी घर में दीदी ने इतने मेहनत से बनाया और इतना टेस्टी बनाया ना बता नहीं सकती मैं। जैसा मुझे पसंद है ना, जैसा मैं बाहर खाती थी वैसा ही बनाया एकदम।